कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करके अपना पक्ष तो बता ही दिया, मगर कंगना की ये कोशिश क्या उनका घर टूटने से बचा पाएगी? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि बीएमसी ने अब ठान लिया है कि कंगना के घर में हुए अवैध निर्माण को हर हाल में तोड़ना है। पाली हिल्स में कंगना के टूटे हुए दफ्तर का मलबा अभी ठीक से हटा भी नहीं कि बीएमसी का हथौड़ा फिर से तैयार हो गया कंगना के फ्लैट को तोड़ देने के लिए। पहले दफ्तर पर बुलडोजर चला और अब घर में हथौड़ा चलने की बारी है। बीएमसी ने कंगना रनौत को नोटिस भेजा है, और नोटिस किस बात का? जो घर उन्होंने खरीदा 2013 में, दरअसल उस घर के भीतर भी अवैध कंस्ट्रक्शन। पिछली बार तो आनन फानन में जल्दबाजी में बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया था, मगर इस बार बीएमसी पूरी तैयारी के साथ हथौड़ा चलाना चाहती है। जो खार रोड इलाका है, पाली हिल कह सकते हैं, पश्चिम मुंबई का सबसे पॉश इलाका, यहाँ पर कंगना रनौत ने 3 फ्लैट खरीदे, 5वें फ्लोर पर वो रहती हैं, लेकिन 2018 में इस पूरी बिल्डिंग को एक नोटिस भेजा गया था बीएमसी की ओर से कि एनएमटीपी जो एक्ट है उसमें, उसके तहत कई तरह के जो कंस्ट्रक्शन है उसकी अनुमति नहीं ली गई है। बीसीसी जो प्लान है उसके खिलाफ है। उसमें क्या क्या है कि गलत तरीके से जो छज्जे बढ़ा लिए गए हैं दीवारों को हटा करके, दूसरे जो पैसेज हैं उसमें अनियमितताएं हैं, और उन अनियमितताओं का हवाला देते हुए बीएमसी ने ये नोटिस 2018 में भेजा था। 2018 यानी जब बीजेपी और शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार थी। अब उस नोटिस को दोबारा कंगना रनौत को भेजा गया कि इस पर जवाब दीजिए। साथ ही बीएमसी चली गई है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और ये कहा है कि आपने जो डिमोलिशन ड्राइव पर रोक लगाई है उस आदेश को हटा लीजिए ताकि यहाँ पर भी हथौड़ा चल सके। अभी इस इमारत में कंगना रनौत के अलावा कई जाने माने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी और दूसरे मुंबई के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। 2 बरस पहले कंगना को बीएमसी ने अवैध निर्माण का नोटिस थमाया था। आज तक के पास इस नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी है। उस कॉपी में कंगना के तीनों फ्लैट्स में कुछ कुछ निर्माण को अवैध बताया गया है। बीएमसी ने कहा है कि यहाँ जमीन में भराव मिला है, सीढ़ियों में बदलाव है, छज्जे को बालकनी बना दिया गया, सर्विस स्लैब में भी बदलाव किया गया है, सीढ़ियों और किचन के बीच रास्ते को बंद किया गया है, लॉबी के कॉमन रास्ते को कवर किया गया है, टॉयलेट बाथरूम में पाइपलाइन बदली गई है। आपको बता दें कि खार वेस्ट की डीबी ब्रिज में 5वीं मंजिल तक कंगना रनौत के 3 फ्लैट हैं। इनमें पहले फ्लैट का साइज 797 स्क्वायर फीट है, दूसरे फ्लैट का साइज 711 स्क्वायर फीट है, तीसरे फ्लैट का साइज 459 स्क्वायर फीट है। कंगना ने तीनों फ्लैट 7 साल पहले यानी 2013 में खरीदे थे, मगर 5 साल बाद यानी 2018 में बीएमसी तक कंगना के अवैध निर्माण की शिकायत पहुंच गई थी। शिकायत के महज 13 दिन बाद ही फील्ड अफसर की रिपोर्ट आ गई थी जिसमें अवैध निर्माण की शिकायत को सही पाया गया था। इसके बाद कंगना को नोटिस थमाया गया था और नोटिस के खिलाफ कंगना ने सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ये मामला अभी चल ही रहा है। इतनी आलोचनाएं झेली दफ्तर पर बुलडोजर चलाने के बाद, उसके बाद भी हौसले उसके नहीं पस्त हो रहे हैं। नोटिस भेज दिया कंगना रनौत को कि घर में जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है और इसलिए वहां भी हथौड़ा चलेगा, लेकिन रुकेगा कैसे, बात कैसे बनेगी? देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र सरकार से सीधे पंगा लेने वाली कंगना रनौत क्या अपने घर पर बीएमसी का हथौड़ा चलने से रोक पाती है, या कंगना की लड़ाई को नाक की लड़ाई बनाने वाली शिवसेना उनके कथित अवैध निर्माण को उनके दफ्तर की तरह ढहा देती है। सौरभ भक्तानिया के साथ आशुतोष मिश्रा, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।